रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हमीरपुर एनआईटी परिसर में 5 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीजीपी सीताराम मैडी ने की। इस बैठक में हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के एसपी, एएसपी, थाना अध्यक्षों को पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में क्राइम रोकने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त रखना है तो पेंडिंग केसों को सुलझाने के लिए चर्चा की जाती है। मंडी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है और इस बार चुनावों में भी हिमाचल पुलिस ने बेहतर काम किया है। हमीरपुर एनआईटी परिसर में 5 जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता डीसीपी सीताराम मैडी ने की। इस बैठक में हमीरपुर, मंडी, बिलासपुर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के एसपी, एएसपी, थाना अध्यक्षों को पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर रणनीति तैयार की गई। बैठक में क्राइम को रोकने के साथ साथ यातायात व्यवस्था को किस तरह से दुरुस्त रखना है तो पेंडिंग केसों को सुलझाने के लिए चर्चा की जाती है। मंडी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कंट्रोल में है और इस बार चुनावों में भी हिमाचल पुलिस ने बेहतर काम किया है। SHO, DSP, एडिशनल SP, SP और रेंज का IG और ADG लॉ एंड ऑर्डर और CID के ऑफिसर्स और हमारा हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स ये बैठ के डिस्कस करते हैं क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, प्रिवेंटिव मेजर्स, जो जो अपराध को रोकथाम के लिए क्या करना है, अपराध और कानून व्यवस्था के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, वेलफेयर मेजर्स के बारे में, और इसमें जो SHOs अपनी समस्या भी बताते हैं, जो केसेस अभी तक सुलझाया नहीं गया उसके बारे में डिस्कस करते हैं, एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए और क्या क्या हम रोक कदम उठा सकते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। यह मैं कह सकता हूँ कि मर्डर हेड में और रेप में और मोलेस्टेशन केस में, थेफ्ट में, बर्गलरी में कमी है, कंट्रोल है, और लॉ एंड ऑर्डर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी जो इलेक्शन हुई है और VVIP विजिट्स हुए हैं, लेकिन एवरीथिंग इज इंसिडेंट फ्री। अब पीछे जब इलेक्शंस हुई है, देर वॉज नॉट इवन माइनर स्कफल, तो इलेक्शन कमीशन का भी राय है कि हिमाचल में सबसे पीसफुल इलेक्शन हुआ है। और इसके अलावा इस बार हमने हिमाचल पुलिस के जो 9 कंपनी है हम दूसरे स्टेट को दिए। DGP सीताराम मैंडी ने कहा कि लोगों को तुरंत पुलिस की सेवा मिलने के लिए 112 नंबर बेहतर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 112 नंबर डायल करने से लोगों को सुविधा मिल रही है और इस नंबर से तुरंत मदद पहुंच रही है। उन्होंने बताया कि 112 का जनता को जानकारी कम होने के कारण पूरी तरह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। स्टेट पुलिस का जो है, मैं एक दो बात कह सकता हूं कि जो ERSS है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, इसको हमने पूरे देश में सबसे पहले लॉन्च किया मंडी में, और इसके लिए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी आए और इन्होंने हिमाचल से लॉन्च किया, और बाद उसके बाद बाकी स्टेटों ने भी लॉन्च किया है। और इसमें 112 नंबर दबाना है, और एक नंबर दबाने से तुरंत 112 नंबर डायल करने से कनेक्ट हो जाता है, और उसके बाद एक नंबर दबाना पड़ता है, फिर आपको पुलिस कंट्रोल रूम से पता लग जाता है और तुरंत उनको आपको मदद मिलेगी। और इसमें एक एडवांटेज ये है, अगर कोई भी टूरिस्ट या कोई भी आदमी अपना लोकेशन बताने में असमर्थ हो, वो नहीं बता सकता हो, तो कंट्रोल रूम को आपका लोकेशन अपने आप ही पता लग जाता है। और दूसरा, इसमें लोग रजिस्टर भी कर सकते हैं और लोग मददगार भी साबित हो सकते हैं। उसमें ऐसा होता है कि कोई वारदात होती है, चलो एक बस एक्सीडेंट हो गया, वहाँ का जितने भी 10-12 किलोमीटर एरिया में जो भी लोग हैं, या 4-5 किलोमीटर में जो एरिया में जो भी लोग हैं, उन सबको मैसेज चला जाता है कि इस जगह पर एक्सीडेंट हुई है, फटाफट दो आप जा सकते हैं। ये सुविधा भी है, इसको कुछ लोगों ने डाउनलोड किए हैं, लेकिन इतना पॉपुलर नहीं हुई, इसको जानकारी और दिलाने की जरूरत है हमारे लिए, और वो भी उस दिशा में भी हम काम करते हैं। और सीताराम मैंडी ने बताया कि नशे के मामले ज्यादातर पंजाब और हरियाणा राज्यों में देखने को मिल रहे हैं, जबकि पड़ोसी प्रदेश उत्तराखंड में ये मामले कम है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस नशे के मामलों पर लगातार काम कर रही है और अधिकतर मामलों को सुलझाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश विधानसभा के द्वारा नशे के साथ पकड़े जाने पर गैर जमानती होने में देरी है, क्योंकि एक्ट को केंद्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है। नॉर्मली आई हैव सीन कि जो बॉर्डर एरिया से उसमें हुई ज्यादा हो रहा है, बॉर्डर एरिया से, बाकी कई जगह एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अंदर भी आ रहा है। तो ये है कि बेसिकली
जो हिमाचल में जो ओपियाइड्स बोलते हैं, ओपियाइड्स का जो एडिक्शन है, वो जो ओपियम का डेरिवेटिव्स का जो एडिक्शन है, ये पंजाब और हरियाणा से कम है, लेकिन उत्तराखंड का हमारे से भी कम है। उत्तराखंड हमसे कम है, लेकिन हम लोग जो है पंजाब से, और पंजाब और हरियाणा में हमारे से ज़्यादा प्रॉब्लम है ये जो नशे का आदि का। बट हिमाचल में हमने अवेयरनेस भी कर ली, मेहनत भी कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर पाए। बाकी पूर्ण रूप से कंट्रोल करने के लिए जो मैंने बताया था कि ये जो नॉन अवेलेबल पहले से, इसमें एक्चुअली हिमाचल गवर्नमेंट विधानसभा ने पास करके इसको भारत सरकार को भेजा है। अब भारत सरकार से नोटिफिकेशन होना है, वो अभी हुआ नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज़ ऑलरेडी, ये जो एनडीपीएस में कोई भी ऑफेंस है, इट इज़ नॉन अवेलेबल ओनली। मर्डी ने कहा कि पुलिस की नशे के खिलाफ मुहिम चली हुई है और प्रदेश में हर साल सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु दर काफी अधिक है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इसको कम करने के लिए सरकार व विभाग पूर्णतया से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग यातायात नियमों के पालन करवाने के लिए वचनबद्ध है और इसके लिए कई बार चालान का सहारा भी ले रहा है ताकि लोग नियमों का पालन कर सकें। एक तो नशे के खिलाफ मुहिम है, और दूसरा एक्सीडेंट्स को कम करना और डेथ को कम करना, इंजर्ड को कम करना। जो लोग जो मर्डर से 12-13 गुना ज़्यादा एक्सीडेंट्स में डेथ होती है हिमाचल में, मर्डर से 12 या 13 गुना ज़्यादा एक्सीडेंट्स में डेथ होती है, इसलिए इसको हम ध्यान में रखते हुए हम इसका एक्सीडेंट्स रोकथाम के लिए हम स्पीड रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग है, ओवर स्पीडिंग है, ड्रंकन ड्राइविंग है, यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग है, यूज़ ऑफ सीट बेल्ट है, ये सब हम एक्सीडेंट्स को मद्देनज़र रखते हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं। हम हमारा इंटेंशन किसी को हरास करना या किसी को टूरिस्ट को तंग करना वो नहीं है, लेकिन हिमाचल में एक्सीडेंट्स एक सीरियस प्रॉब्लम है और हिल ड्राइविंग नहीं जानने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो